हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो लोग चैनल को अभी पहली बार देख रहे हों, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरा कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप मिस ना करें। तो चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जामिनी राय ने। जामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम है ऑप्शन नंबर ए, कैनवास पर तैल रंग। चलिए अगला प्रश्न है, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जामिनी राय। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जामिनी राय। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन भारतीय लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? ऑप्शन नंबर बी, जामिनी राय। अब पढ़ेंगे अमृता शेरगिल के बारे में। इनका जन्म 1913 और मृत्यु 1941 में हुई। तो चलिए, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाल गोगा। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र थ्री गर्ल्स या तीन लड़कियां किस माध्यम में चित्रित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तैल रंग में। अगला प्रश्न है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमृता शेरगिल ने। चलिए अब जो है सूची मिलानी है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके हिसाब से के एस कुलकर्णी बेलगाम, अमृता शेरगिल बुडापेस्ट, के एच आरा हैदराबाद और एस एच रज़ा बावेरिया। मतलब इसमें मिलाया है कि कौन कहाँ का रहने वाला था। चलिए अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जामिनी राय ने। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हंगरी में। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की माँ थी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हंगरियन। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाहौर में। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजंता चित्रों का। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेरिस में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन व यथार्थवाद का प्रभाव है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमृता शेरगिल ने। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विषाद की। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। अगला प्रश्न है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 किसका चित्र है? ऑप्शन नंबर ए, अमृता शेरगिल का। अगला प्रश्न है, बाल वधु किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर सी, अमृता शेरगिल की। अब पढ़ेंगे नारायण श्रीधर बेंद्रे के बारे में, जिनका जन्म 1910 और मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई। इनमें से कौन असंबद्ध है ये बताना है? तो ऑप्शन नंबर डी, नारायण श्रीधर बेंद्रे असंबद्ध हो जाएंगे, यानी डिफरेंट हो जाएंगे बाकी सबसे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेंद्रे। अगला प्रश्न है, एनएस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बड़ौदा। अगला प्रश्न है, एनएस बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेजे स्कूल। अगला प्रश्न है, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बड़ौदा शैली। अगला प्रश्न है, एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, के एस कुलकर्णी। अब पढ़ेंगे कटिंगेरी कृष्ण हैबर या के हैबर के बारे में। इनका जन्म 1911 मृत्यु 1996 में हुई। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, के हैबर के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो ऑप्शन नंबर सी, के हैबर। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है ऑप्शन नंबर बी, रेखात्मक। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, के हैबर। अब पढ़ेंगे के एस कुलकर्णी के बारे में। इनका जन्म 1918 मृत्यु 1994 में हुई।
डैश एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, के एस कुलकर्णी। के एस कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ, जो किससे संबंधित रहे हैं तो यहाँ पे बताना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, के एस कुलकर्णी ने। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे, ऑप्शन नंबर डी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं, ऑप्शन नंबर बी के एस कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, के एस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्राम्य जीवन के दृश्य। मकबूल फिदा हुसैन, जिनका जन्म 1915 मृत्यु 2011 में हुई, चित्रकार MF हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, MF हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंढरपुर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, MF हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंदौर। अगला प्रश्न है, देव लालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की, ऑप्शन नंबर सी इंदौर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MF हुसैन का निधन कहाँ हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लंदन में। अगला प्रश्न है, चित्रकार MF हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो जाएगा, घोड़े को। अगला प्रश्न है, MF हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घोड़ा चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, MF हुसैन से। अगला प्रश्न है, भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, MF हुसैन या मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी, ऑप्शन नंबर डी MF हुसैन। अगला प्रश्न है, कौन सा MF हुसैन का चित्र है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मदर टेरेसा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया, ऑप्शन नंबर डी MF हुसैन ने।